नमस्कार सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान क्रांति पर। किसान भाइयों, आज थोड़ी बारिश के कारण जो बोली है लाई बोली वो नहीं लग पाई है, तो इस वजह से हम जो भाव है मंडियों के सभी जो अपडेट आई है वो चलती जो ट्रालियां बिकी है, तो उस हिसाब से हम आपको जो भाव है वो अपडेट कराएंगे। आज दिनांक 31 मार्च 2023 हो चुकी है और साल का वैसे लास्ट दिन है, तो हो सकता है नए साल को हो सकता है अप्रैल से तेजी की संभावना हो। तो आप वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को शेयर करना ताकि सभी किसान भाइयों तक जो लाइव भाव है नरमे के वो पहुंच सके। हम आने वाली जो फसलें हैं उनके भी हम आपको लाइव भाव अपडेट करवाएंगे। कुछ मौसम की वजह से सरसों की लाइव बोली नहीं लग पा रही है, इस वजह से हम आपको अपडेट नहीं करवा पा रहे। चलिए आज जान लेते हैं विभिन्न मंडियों में क्या कुछ जो भाव है वो। ₹89,550, इलाहाबाद मंडी में ₹7,070, गुना मंडी में ₹7,631, बट्टू मंडी में ₹7,680, गांव गंगा मंडी में ₹7,608, सिरसा मंडी में ₹7,850। वहीं देसी कपास की जो भाव है वो रहे ₹10,200, आतमपुर मंडी में ₹7,780, बरवाड़ा मंडी में ₹7,681, अबोर मंडी में ₹7,810, फतेहाबाद मंडी में ₹7,700। वहीं देसी कपास के भाव है वो ₹9,800, विजयनगर मंडी में ₹7,070, गढ़साना मंडी में ₹7,890, रावड़ा मंडी में ₹8,920, सुरतगढ़ मंडी में ₹7,880, रायसी नगर मंडी में ₹8,900, अनूपगढ़ मंडी में ₹7,890, पेड़ेनुंगा मंडी में ₹8,910, गोलुवाड़ा मंडी में ₹7,890, कर्णपुर मंडी में ₹7,850, रावसर मंडी में ₹8,985, नोर मंडी में ₹7,885। वही अगर देसी कपास की बात करें तो वो ₹9,820, गंगानगर मंडी में ₹7,870, साधुलशहर मंडी में ₹7,850। तो ये थे किसान भाइयों विभिन्न अपने जो आसपास की मंडियां हैं उसके जो भाव थे वो हमने आपको अपडेट करवाए। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा ज्यादा किसान भाइयों को शेयर करना। मिलते हैं कल इसी प्रकार से लाइव होने के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।